Good morning students, today we will discuss about the topic alimentary canal. In the earlier section we have discussed about the morphology of the cockroach. पिछले दो लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी देखी थी कॉकरोच की, ठीक है. उसकी मॉर्फोलॉजी का मीनिंग उसकी जो एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं, एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होती है, वो सारी चीज़ की हमने स्टडी किया था. अब हम पढ़ेंगे एनाटॉमी. एनाटॉमी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि उसके सिस्टम्स की स्टडी करेंगे. उसमें एलिमेंट्री केनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अपन स्टडी करेंगे, अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे, अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे, अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे, अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करेंगे. आई थिंक मोस्टली कवर हो गए, लगभग इतने सारे सिस्टम्स हैं उसको अपन वन बाई वन लेंगे, ठीक है. एनसीईआरटी आप बुक पढ़ोगे, ये लेक्चर्स देखने के बाद में आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है. लेकिन अब डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक उठाओगे आधी अधूरी चीज़ मिलेगी, सब कुछ मिक्सअप मिलेगा, समझ में नहीं आएगा. तो अच्छे से लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक को प्रीफर कीजिए, राइट. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्री केनाल के बारे में, ठीक है. अब एलिमेंट्री केनाल किसकी बात कर रहे हैं अपन, कॉकरोच की बात कर रहे हैं. तो जनरली एलिमेंट्री केनाल जो है इसकी माउथ से लेकर के एनस तक जाती है. कहाँ से कहाँ तक होती है, माउथ से एनस तक होती है, ठीक है. क्या क्या पार्ट्स होते हैं देख लेते हैं हम इसको, ठीक है. सबसे पहले ऊपर ही ऊपर क्या मिलेगा इसको, माउथ होगा, ठीक है. माउथ नीचे की तरफ होता है, हाइपोगनेथस टाइप का माउथ होता है, मॉर्फोलॉजी में हमने पढ़ा था इसको, ठीक है. अब माउथ के अंदर यहाँ पे इसको माउथ पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है. यहाँ पे इसके सॉकेट्स होंगे, ठीक है, जिसमें क्या होंगे आपके एंटीना होंगे, ठीक है. और उसके बाद कंपाउंड आईज होगी, है ना, सिंपल आईज भी होगी, अपन उस चीज़ की नहीं जा रहे. माउथ के बाद इसमें स्मॉल ट्यूबुलर पार्ट जो है वो आपका फेरिंग्स होता है, ठीक है. फेरिंग्स के बाद में आपका थोड़ा सा लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट और आता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ईसोफेगस के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं, ईसोफेगस. यानी आपका फर्स्ट पार्ट आपका फेरिंग्स आ गया, ईसोफेगस आ गया, उसके बाद में एक लंबा बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आपके सामने नजर आएगी, लाइक दैट. ये कुछ आपकी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स आएगी, जिसको अपन क्या कहेंगे, क्रॉप के नाम से जानेंगे. लिख देते हैं एक बार, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप. और क्रॉप के बाद, क्रॉप के नीचे एक छोटी स्ट्रक्चर और होती है, ठीक है. इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, गिजार्ड के नाम से जानते हैं. किस नाम से जानते हैं, गिजार्ड के नाम से जानते हैं. यानी क्रॉप हो गया, गिजार्ड हो गया, ठीक है. उसके बाद अब जो गिजार्ड है यहाँ तक एक पार्ट है ना. अलग अलग तीन पार्ट्स में ये डिवाइड होती है, जिसको अपन फोरगट कहते हैं, मिडगट कहते हैं और हाइंडगट के नाम से जानते हैं, ठीक है. यहाँ तक का जो पोर्शंस होता है वो किस में इंक्लूड होता है भाई, फोरगट में इंक्लूड होता है, ठीक है. अब फोरगट के बाद में आपकी आएगी मिडगट. मिडगट यहाँ से कुछ फोल्डिंग स्ट्रक्चर्स होती है, लाइक दैट. ये यहाँ तक मिडगट होती है, समझ में आ रही है. मिडगट जहाँ एंड हो जाती है उसके बाद में आपकी हाइंडगट स्टार्ट होती है. हाइंडगट में भी फर्दर तीन पार्ट होते हैं. आई थिंक ये पार्ट आपको विजिबल है, लेट मी चेक इट. ठीक है, दिख रहा है. ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा और उसके बाद इसका ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, ठीक है. एक बार लेबल अपन कर लेते हैं. ये फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉफ और गिजार्ड, यहाँ तक का ये जो पूरा पार्ट है, यानी ऊपर माउथ भी है इसमें इंक्लूड है, माउथ पार्ट भी है, माउथ. इस पूरे पार्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, फोर गट के नाम से जानते हैं, ठीक है. उसके बाद ये फोर गट यहाँ ख़त्म हो रहा है गिजार्ड के पास, ये आपका मिड गट आ रहा है. यहाँ लिख देते हैं अपन मिड गट, ठीक है. अब मिडगट और फोरगट यानी गिजार्ड के पास यहाँ पे, ध्यान से समझना, फोरगट और मिडगट उसके जहाँ कॉम्बिनेशंस होता है, जहाँ जंक्शंस होता है, वहाँ पे 6 to 8 ब्लाइंड सेक्स होती हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती है. इसे 6 से 8 नंबर आप याद रखें, दोनों तरफ होंगी, इधर ये लीजिए, या 4-4 दोनों तरफ याद रखें, नियरली 6 से 8 होती है, नंबर ज़रूर याद रखें. इनको क्या कहते हैं अपन,
हिपेटिक और गैस्ट्रिक सीका और सीके, हिपेटिक या गैस्ट्रिक सीके के नाम से जानते हैं। 6 से 8 के नंबर में ये प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, लोकेशंस याद रखें, एट द जंक्शंस ऑफ फोरगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट है उसके जंक्शन पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद में अपना आता है ये आपका मिडगट आता है, ये हाइंडगट आता है। मिडगट और हाइंडगट जो होता है इसके जंक्शंस पे भी कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स येलो कलर्ड होती हैं और नंबर में कितनी होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। दैट इज कॉल्ड मेलपिजियन ट्यूबुल्स। क्या नाम देते हैं, मेलपिजियन ट्यूबुल्स। नंबर में कितनी होंगी, 100 to 150 नंबर में होगी भाई। नंबर में कितनी होगी, 100 से 150 नंबर के अंदर प्रेजेंट होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका अपन जो हाइंडगट है इसका नाम लिखते हैं। हाइंडगट के भी 3 पार्ट होते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, जो स्मॉलर पार्ट होता है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको अपन कहते हैं इलियम, ये सेकंड पार्ट है जिसको अपन कहते हैं कोलन, और लास्ट पार्ट होता है आपका रेक्टम जो एनस के थ्रू बाहर खुल जाता है। ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये 3 पार्ट जिसमें है, इलियम है, कोलन है और रेक्टम है, इन तीनों को मिलाकर के हम किस नाम से जानते हैं, हाइंड गट के नाम से जानते हैं। देखिएगा एक बार डायग्राम, समझने की कोशिश कीजिए क्या क्या पार्ट्स अपने बनाए हैं, क्या क्या नाम उनको दिया है, एक बार उस चीज़ को आप देख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। डायग्राम देखा, देखिए अब हम इसकी पूरी स्ट्रक्चर्स के साथ में डिस्कस करेंगे किसका क्या क्या फंक्शंस होता है, कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर्स कैसे होती है। हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज फोरगट, सेकेंड वन मिडगट एंड थर्ड वन हाइंडगट। यानी आपके एलिमेंट्री कैनाल जो है, जो आपकी गट है, उसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा हुआ, फोरगट, उसके बाद सेकेंड कौन सा हुआ, मिडगट, और थर्ड कौन सा हुआ, हाइंडगट। अब आपका जो फोरगट है इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉफ एंड गिजार्ट, ये आपके पार्ट फोरगट में हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पार्ट लेंगे मिडगट, मिडगट में कोई पार्ट नहीं होगा, एक ही पार्ट होगा, फोल्डिंग वाली स्ट्रक्चर नजर आएगी इसके अंदर आपको। और आपका मिडगट है आपको यूं समझ, मिडगट का एक दूसरा नाम भी है मिजेंट्रॉन, मिजेंटेरॉन, मिजेंट्रॉन भी अपन इसको कहते हैं। मिडगट को आपको यह समझना है कि आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह काम करती है अपनी बॉडी में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, उसमें डाइजेशन भी होता है, यानी डाइजेशन खत्म हो जाता है, और अब्जॉर्प्शन का काम भी वहाँ होता है। तो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन दोनों मिडगट के अंदर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका हाइंडगट आ जाता है। हाइंडगट और मिडगट के जंक्शन पे आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मिलेगी, उसको अपन मेलपिजियन ट्यूबुल्स कहेंगे। वो एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरह काम करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं, कैसे होते हैं हम डिस्कस करेंगे। फिर आपका हाइंडगट आता है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, इलियम, कोलन और रेक्टम वाले पोर्शंस होते हैं, ठीक है। वन बाई वन अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं माउथ। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज और है, वो यहाँ पे ये लीजिए, सेलेवरी ग्लैंड्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, बाइलोब स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक सेलेवरी रिजर्वायर होता है यहाँ पे, ऐसे कुछ सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड और ये सेलेवरी रिजर्वायर, ये दोनों तरफ हैं, वन वन पैर के अंदर होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसका क्या क्या फंक्शंस होता है। सॉरी, आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, 3 पार्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, हम सबसे पहले फोरगट की बात करने वाले हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि आपकी जो फोरगट है और जो हाइंडगट है इसके अंदर भी क्यूटिकल लाइंड होती है, यानी उसकी जो इंटरनल वॉल होती है, यहां भी इसके ऊपर क्या होता है भाई, क्यूटिकल होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
कहाँ कहाँ है? आपकी फोरगट में है और आपकी हाइंड गट में। मिड गट में आपको क्यूटिकल्स देखने को नहीं मिलेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि क्यूटिकल लाइंड एलिमेंट्री कैनाल पार्ट कौन कौन से हैं। तो दो मिलेंगे आपको, लिख दूं यहाँ पे, क्यूटिकल लाइंड यानी आपकी फोरगट में और हाइंड गट में क्यूटिकल प्रेजेंट होगी, जबकि मिड गट में क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपका पार्ट्स आएगा माउथ। माउथ के अंदर जैसे ही वो फूड लेगा, तो फूड लेने के बाद में उसमें अपने पड़ा के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, स्पेशली ग्राइंडिंग और च्यूइंग के लिए उसके पास क्या होते हैं, मैंडिबल्स होते हैं, है ना। मैक्सिला उसको फूड को होल्ड डाउन करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, वो फूड को ग्राइंडिंग करता है, च्यूइंग करता है, राइट। उसी समय उसके बाद जो फूड होता है वो स्मॉलर पार्ट फेरिंग्स के अंदर आ जाता है। फेरिंग्स है वो ईसोफेगस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होती है जिसको अपन सेलेवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। सेलेवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा का सिक्रेशन करती है, यानी म्यूकस का सिक्रेशन करेगी प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करेगी, ठीक है। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि आपका कुछ पार्ट फूड का मेस्टिकेशन जो होना है वो माउथ के अंदर हो जाता है, और उसके बाद सेलेवरी जो ग्लैंड्स होती हैं ना, वो भी अपना सिक्रेशंस करती हैं, तो वो म्यूकस कर डालती हैं, तो फूड क्या हो जाता है, एक वेट हो जाता है, इजी टू मूव हो जाता है, इजीली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मूव करने लग जाएगा। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करेगी तो वो डाइजेशन भी कर देगा इसका, ठीक है। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, किसको डाइजेस्ट करता है, कितना पार्ट डाइजेस्ट होता है, इतना डिटेल में अपन को नहीं है, अपन को सिर्फ एनाटॉमी स्ट्रक्चर ही समझनी है और कैसे क्या होता है, बस इतना ही है, ज़्यादा डिटेल से नहीं समझना है, ठीक है। तो फेरिंग्स में आ गया, फेरिंग्स में कुछ नहीं होता, इसोफेगस में कुछ नहीं होता। फिर आपका जो फूड होता है वो क्रॉफ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर आता है, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रॉप के नाम से जानते हैं। और जनरली इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोरेज का फंक्शंस होता है, ठीक है ना। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि रात को अटैक करता है, नॉक्टर्नल एनिमल्स होता है, तो जो ही फूड मिलता है उसको फटाफट खाने की कोशिश करता है ना। तो मैंडिबल वाला पोर्शन है वो तो काम कर नहीं रहा है, और साथ में उसको जल्दी लेगा तो जल्दी लेके क्रॉप में उसको हाँ। तो तीन पार्ट हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अवर क्रॉप, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉप के नाम से जानेंगे। मेन फंक्शन क्रॉप का क्या होगा, स्टोरेज करने का फंक्शन होगा, ठीक है। अब आप क्रॉप के बाद में आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है गिजार्ड। क्या आता है, गिजार्ड। और गिजार्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि गिजार्ड की अपन पहले इंटरनल स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या होती है। देखिए इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो लेयर्स आपको नजर आएंगी, ठीक है। एक आउटर लेयर होगी जो थिक होगी और सर्कुलर मसल्स की बनी होगी। क्या होगी, यानी सर्कुलर मसल्स की आउटर थिक लेयर नजर आएगी बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या होता है, अंदर की तरफ आपका जो क्यूटिकल है ना, वो क्यूटिकल की बनी हुई काइटिन की प्लेट्स होती हैं। यानी यूँ समझ लीजिए वो काइटिन की जो प्लेट्स हैं वो क्या बना लेती हैं, टीथ बना लेती हैं, ऐसे क्या बना लेती है, टीथ बना लेती हैं। देखिए ऐसे ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स कितने हो गए, 4, 5 और 6। ये भी इसका नंबर भी फिक्स है, इसको भी आप ध्यान रखें, 6 होते हैं नंबर में, ये लो जी, यानी ये आपके हो गए टीथ। आपकी जो गिजार्ड है, एक्चुअल में गिजार्ड क्या है, ये टीथ ही है। गिजार्ड क्या है, टीथ ही है। किसकी बनी होती है, काइटिन की प्लेट्स की बनी होती है, काइटिन प्लेट यानी काइटिन की ही प्लेट्स हैं जो मॉडिफाई हो जाती हैं और किसका फॉर्मेशंस कर लेती हैं, टीथ का फॉर्मेशंस कर लेती हैं। अब इसका टीथ वह है तो इसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होगा, फूड को ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं, यानी फूड की जो पिसाई होनी है ना भाई, वो कहाँ होनी है, गिजार्ड में होनी है। बात समझ में आई क्या, क्रॉप है उसमें कुछ नहीं होना है, क्रॉप में सिर्फ स्टोरेज का पार्ट होता है, एक बड़ा सा थैला है यूँ समझ लीजिए, आपके पास बैग है जिसमें ला करके आपने फूड डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद क्रॉप से जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका गिजार्ड। गिजार्ड के अंदर यदि इंटरनल इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है, मस्कुलर लेयर्स होती है, ठीक है। इंटरनल जो लेयर्स होती हैं वो काइटिन की प्लेट से बनी होती है, और काइटिन की प्लेट जो है वो मॉडिफाई होकर के आपकी टीथ का फॉर्मेशन कर लेती है,
अब ये जो टीथ है ना, नंबर में ये फिक्स अच्छी चीज़ आपको याद रखने की है कि इसके जो नंबर होते हैं वो फिक्स होते हैं। और कितने नंबर होते हैं भाई? 6 होते हैं, यानी 6 टीथ ऐसे होते हैं। और उनके बीच में जब फूड आता है ना, तो ये क्या करते हैं, जैसे फूड के अंदर मेस्टिकेशन करते, खच 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 है, फूड का मेस्टिकेशन कर देते हैं, फूड की ग्राइंडिंग कर देते हैं, फूड की पिसाई कर देते हैं, एकदम एकदम पेस्ट बना देते हैं इसका। बात आई कि समझ में? तो एक तो टीथ कहाँ आपके माउथ में प्रेजेंट है, और एक टीथ आपके कहाँ पे प्रेजेंट है भाई? यहाँ पे प्रेजेंट है। कहाँ पे? आपके गिजार्ड के अंदर। यहाँ तक समझ में आएगी? ये पूरा पोर्शंस आपका कौन सा हो गया? फोरगट वाला पोर्शंस हो गया। इतना काम फोरगट के अंदर होता है। अब फोरगट के बाद में हम आएंगे मिडगट के अंदर, ठीक है। तो मिडगट की यदि अपन बात करें, तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन के ऊपर आपके हिफेटिक या गैस्ट्रिक सीकी होती हैं, 6 से 8 के अंदर होती हैं नंबर के अंदर, और ब्लाइंड सेक होती है, इसका ये माउथ इधर से बंद होता है, ठीक है। तो इसका एक पोर्शन इधर खुलेगा, किसके अंदर खुलेगा? ये आपका खुलेगा मिडगट के अंदर। किसमें खुलेगा? मिडगट के अंदर खुलेगा। और ये क्या करती हैं, आपकी हिफेटिक जो होती हैं ये डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करती हैं। किसका सेक्रेशन होती है? डाइजेस्टिव जूस, यानी एंजाइम का सेक्रेशन करेगी जो मिडगट के अंदर फूड का, जो मिडगट के अंदर फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करती है। बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है। मिडगट में क्या होता है? मिडगट में एक तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके आएंगे हिपेटिक सीकी के, और मिडगट के अंदर और भी एंजाइम्स मिलकर के जो भी फूड होगा उसका क्या कर, अब्सॉर्प्शन का काम है, वो भी आपके मिडगट यानी मेजेंट्रोन के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके लिए इसके अंदर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। जब उसका फूड का डाइजेशन हो गया, अब्सॉर्प्शन हो गया, अब्सॉर्प्शन होने के बाद में आगे सेल्स के पास चला जाता है। अब अपन आगे चलते हैं, तो आपका पार्ट आता है हाइंडगट। हाइंडगट और मिडगट है, उसके जंक्शन में भी येलो कलर्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम मेलपिजियन ट्यूबुल्स या मेलपिजियन बॉडी के नाम से जानते हैं। नंबर कितने होते हैं? 100 to 150 होते हैं। याद रखना, साथ साथ में आपकी जो हिफेटिक सीकी प्रेजेंट होती हैं, जिसका क्या काम होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम का सेक्रेशन करना होता है, और नंबर 6 to 8 होते हैं, यानी ऊपर संख्या कम होती है, नीचे ज़्यादा होती है। नीचे वाली का काम अलग होता है, ऊपर वाली का काम अलग होता है, याद रखना। नीचे वाली क्या करेगी? डाइजेशन में हेल्प करेगी, तो डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करेगी। आपकी मेलपिजियन जो ट्यूबुल्स होती हैं ये क्या करती हैं? देखिए, ये हमने जो सक्सेस बनाई है, ये मान लीजिए ये इसकी पूरी बॉडी है ना, आउटर पार्ट अपन देखें, तो इसकी जो अंदर जो बॉडी कैविटी होती है, जो सिलोम होती है ना, उसको हीमोसील के नाम से जानते हैं। ये इसकी हीमोसील है, हीमोसील। अब बोले हीमोसील ईएल, इसको हीमोसील सील क्यों कहा? अपन तो बॉडी कैविटी सिलोम कह रहे थे, क्योंकि इसकी जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर ही ब्लड भरा रहता है। उसकी बॉडी कैविटी में ब्लड भरा रहता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है। क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है, जिसकी वजह से बॉडी कैविटी सिलोम है, पूरी ब्लड से फिलअप होती है, इंटरनल ऑर्गन उसके अंदर बाथिंग कर रहे होते हैं। और इस टाइप का जो ब्लड होता है, यहाँ पे जो ब्लड होगा उसको अपन हीमोलिम्फ के नाम से जानेंगे। ये चीज़ आपको याद करनी है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे अपन। हीमोसील आपकी बॉडी कैविटी है, सिलोम है, और हीमोलिम्फ आपका ब्लड है। तो आपका हीमोलिम्फ जो ब्लड यहाँ पे आपकी बॉडी कैविटी के अंदर या हीमोसील के अंदर जो प्रेजेंट है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट बनेंगे, ठीक है। उस नाइट्रोजनस वेस्ट को ये क्या करेगी? यहाँ अब्जॉर्ब करेगी। क्या करेगी? अब्जॉर्ब करेगी, यानी ये पोर्शंस है वो हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को अब्जॉर्ब करेगी, और अब्जॉर्ब करके कहाँ ले आएगी? इसको हाइंडगट के अंदर डाल देगी। कहाँ डाल देगी? हाइंडगट में डाल देगी। और हाइंडगट के थ्रू आगे जो लास्ट पार्ट है एनस, उधर से ये बाहर निकल जाता है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि इसके पास एनस है, जिससे ही इसका फीकल मैटर और इसका जो यूरिन है ना, नाइट्रोजन जो वेस्ट है, वो यूरिया यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका यूरिन और प्लस आपका फीकल मैटर दोनों एक ही पार्ट से बाहर निकलते हैं। किससे? एनएस से बाहर निकलते हैं। तो इसका काम क्या हो गया? एक्सक्रीशन में ये क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी अपन इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा डिटेल से देख लेंगे। हर ट्यूबुल की स्ट्रक्चर अपन देख लेंगे कैसे होती है, और ज़्यादा डिटेल में है ही नहीं अपनी। फिर अब आपका आता है इलियम। इलियम एक स्मॉलर पार्ट होता है, छोटा पार्ट होता है। उसके बाद आपका कोलन आता है, थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता है, फोल्डिंग सक्सेस होती है, वाटर का अब्जॉर्प्शन वगैरह होता है इसके अंदर। और फिर रेक्टम आता है, एक स्मॉल सैक लाइक सक्सेस होती है, टेम्पररी इसमें फूड डाला, आपका अनडाइजेस्टेड फूड व्हीकल जो फीकल मैटर है वो डाला जाता है, और एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। बात आई क्या समझ में? ज़्यादा लंबा चौड़ा इसमें कुछ भी नहीं है, 2-3 नाम हैं जो आपको याद करने हैं। समझ में आई बात?
सेलिवरी ग्लैंड सेलिवरी रिजर्वायर होते हैं जो म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। तीन पार्ट होते हैं फॉरगट मिडगट एंड हाइंडगट। फॉरगट होती हैं वो माउथ से स्टार्ट होकर के आपके गिजार्ड तक आती हैं, गिजार्ड के बाद में आपका मिडगट आता है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, और मिडगट के बाद में आपका हाइंडगट आता है। ठीक है, दो जंक्शंस होते हैं फोरगट और मिडगट है, वहाँ पे हिपेटिक सीके होते हैं। मिडगट और हाइंडगट जो होता है वहाँ पे मेलपिजियन ट्यूबल्स होती हैं। मेलपिजियन ट्यूबल्स होती हैं उसके नंबर 100 से 150 होते हैं, और आपकी जो हिपेटिक सीकी होती हैं गैस्ट्रिक सीकी होती हैं उसके नंबर 6 से 8 होते हैं। इनका काम डाइजेशन का होता है, इनका काम एक्सक्रीशन के अंदर होता है। बस इतना सा ही है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री केनाल।